हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी स्पेशल रेसिपी है चिकन स्टॉक। बहुत ही आसान डिश है। आप घर में ज़्यादा स्पाइसी चिकन खाने का, मसालेदार चिकन खाने का पसंद नहीं करते तो ज़रूर ये डिश बनाइए, मेरी तरह से एक बार ट्राई कीजिए। ये सभी को पसंद आता है, ज़्यादा बिल्कुल मसालेदार नहीं रहता है और बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं घर में। तो आइए शुरू करते। सबसे पहले आप एक कोई भी बर्तन कराए हो लीजिए, गैस के ऊपर रख दीजिए और यहाँ पे मैंने ले रहा हूँ, देखिए बटर। आप बटर की जगह में, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं है तो प्लेन ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बटर को थोड़ा पिघलने दीजिए, एक मिनट में ये पिघल जाएगा। देखिए देखिए बटर मेल्ट हो चुका है और अभी हम ऐड करेंगे कुछ खड़ा मसाला, जैसा तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, 4-5 लौंग, ग्रीन इलायची यहाँ पे ऐड कर दिया। इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, आप जैसा चाहिए 1-2 मिनट। और अब हम ऐड करेंगे, ये देखिए जिंजर है स्लाइट कटा और गार्लिक भी है, लंबा लंबा हमने काट कर लिया। और यहाँ इसको थोड़ा 1-2 मिनट इसी तरह से भून लेंगे। देखिए 1-2 मिनट भूनने का बाद यहाँ पे लिया है मैंने एक प्याज कटा हुआ स्लाइस, ये भी यहाँ ऐड कर दिया। इसे ब्राउन नहीं करना, हल्का छोटे टाइप जैसा करता है इसी तरह से थोड़ा 1-2 मिनट इसे, ये ऑनियन को कच्चा पना निकल जाना उसका हिसाब से इसको थोड़ा भून लेना। देखिए ऑनियन को हमने भून लिया और गोल्डन ब्राउन नहीं किया। अब क्या करेंगे, इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए यह है करी कट चिकन बोन वाला, ये में 1/2 किलो चिकन है, ये देखिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसे थोड़ा एकदम चिकन को थोड़ा चलाते रहिए, इसका कलर चेंजेस होने आ जाएगा, ये देखिए। और अभी ऐड करिए, ये देखिए कच्चा पोटैटो, ये आलू है, कच्चा आलू लिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी का साथ इसे थोड़ा 2-3 मिनट इसी तरह से मैं इसको चलाएंगे, जब तक इसको कलर चेंजेस ना आए चिकन का तब तक थोड़ा चला लेंगे 2-3 मिनट। ये देखिए चिकन का कलर ऑलरेडी फेड होने को आ गया है, आपको पता चल रहा है, हल्का हल्का देखिए, देख सकते हैं आप इस तरह से इसको कलर फेड होने आया। और अभी ऐड करेंगे गाजर, ये देखिए यहाँ पे गाजर ऐड करेंगे थोड़ा, सेम प्रोसेस, इसे भी 1 मिनट इस तरह से भून लेंगे। और अभी यहाँ पे ऐड करेंगे पानी, पानी आपकी पोर्शंस का हिसाब से, क्वांटिटी का हिसाब से आप पानी डालिए। ये देखिए मैंने यहाँ 1/2 किलो लिया है क्योंकि चिकन को भी पकाना है, तो मैंने यहाँ ये देखिए पानी ऐड कर दिया, ये देखिए। और अभी क्या करेंगे, पानी तो ऐड कर दिया है, इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट तक। ये देखिए एक ढकना लगा के इसको छोड़ देंगे 5 मिनट, उनका लिकन लेंगे, 5 मिनट हो चुका है ये देखिए। और आप धीमी आंच में हमेशा रखना, अभी मीडियम आंच में, मैंने मीडियम आंच कर दिया अभी। और अभी इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, आपके पास है तो आप ऐड करिए, ये है ग्रीन कैप्सिकम, ये येलो कैप्सिकम, और यहाँ ऐड किया बीन्स, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसकी साथ जो है ना चिकन जो है ना, इसकी साथ बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये सब वेजिटेबल डालने से, अगर आपके पास है तो ज़रूर आप डालना। अभी मैं 1 टीस्पून डालेंगे नमक, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं इसे फिर से ढक के रखेंगे 20 मिनट तक, ढक के रखेंगे इसको बॉयल होने के लिए। चलिए अभी 20 मिनट हो चुका है तो ढक्कन निकाल देंगे, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से ये कुक हो रहा है। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे इसकी जो कलर है इसको चमकने के लिए थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी पाउडर मैंने यहाँ ऐड करेंगे, 1 चुटकी भर, और इसे थोड़ा चलाते रहेंगे देखिए इसी तरह। और ये जो पानी है ग्रेवी है इसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए एक कटोरी में लिया है चावल का आटा, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं,
और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मैं इस पानी को ठीक करने के लिए, जो हम चिकन का पानी है उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल लेंगे, देखिए इसी तरह से, तो ये अच्छी तरह से थिकनेस हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मत यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐड करते देंगे, देखिए इसे क्या है थिकनेस बहुत बढ़िया आएगा। और इसे धीमी आँच में फिर से 5 मिनट इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, देखिए इसी तरह से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से बन रहा है हमारा चिकन स्टो। और इसी को थोड़ा सा चटपटा स्पाइसी करने के लिए यहाँ ऐड कर दीजिए, देखिए ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर 1 स्पून यहाँ पे ऐड करिए। इससे क्या है ना थोड़ा सा चटपटा आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। और ये हमारा बन के रेडी है चिकन स्टो। आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अभी क्या करिए, गैस का वलन बंद करिए और इसे गर्मा गर्म ब्रेड का साथ, मुझे तो ब्रेड का साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए कितनी बढ़िया सा बना है, देखिए गर्मा गर्म आप प्लेट में लीजिए और इसे ब्रेड का साथ सर्व करिए। ये है तो देख के ही मज़ा आया, ओह क्या बना, कितनी खूबसूरत बनाया आप, मज़ा आ जाएगा आज। और आप इंजॉय करते रहिए।